नमस्ते जी, कैसे हो सब आप? मैं सुखविंदर राजपूत बात कर रहा हूँ, राजपूत जॉन से। आपके लिए इंडिपेंडेंट विलाज लेकर आया हूँ। 4 BHK विलाज हैं, स्पेनिश विलाज हैं। 4 BHK प्रॉपर, 4 बेडरूम, 4 अटैच वॉशरूम, 2 ड्राइंग रूम, 2 मॉडलर किचन है। टॉप फ्लोर पे मॉन्टी ऐसे आप स्टोरेज कर सकते हो। ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग में अवेलेबलिटी रहेगी, एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबलिटी है। गेट नंबर 1 है, इसी से इन आउट है। गेट नंबर 2 एंड 3, ये 3 गेटर टाउनशिप है। गेट नंबर 2 एंड 3 पे हमारे फ्लैट्स बने हुए हैं। 1 पे 26 विलाज हैं, उधर 82 फ्लैट्स हैं। ये विलाज हैं 4 BHK स्पेनिश विला है, 115 गज में। ये 22.5 बाय 45 का रहेगा। ग्राउंड फ्लोर पे भी 2 BHK सेट है, फर्स्ट फ्लोर पे भी 2 BHK। जैसे दोबारा मैं फिर बता देता हूँ, 4 बेडरूम है, 4 अटैच वॉशरूम है, 2 ड्राइंग रूम है, 2 मॉडलर किचन है। टॉप फ्लोर पे माउंटी है, आप स्टोरेज कर सकते हो। एक रो में 16 विलाज हैं, इधर एक रो में 10 विलाज हैं, 26 विलाज रहेंगे टोटल। रेडी टू मूव में है, ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग में है। एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबलिटी रहेगी। जब मर्जी आओ विजिट करने के लिए। और मेरी तरफ से हर बारी की तरह मेरी तरफ से गुड विशेज रहेंगी आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले। गेट नंबर 1 एंटर करते ही आगे 34 शॉप्स हैं। 10 बाय 27 की शॉप है, 10 बाय 15 की पार्किंग है। एक गेटर टाउनशिप के आगे बहुत अच्छी स्पेशियस मार्केट बनी हुई है, 10 बाय 15 की पार्किंग है। अगर कल को यहाँ पर मान लो ये वाला विला परचेज कर लेते हो आप, तो 22.5 फ्रंट है, यहाँ पे 2 गाड़ी खड़ी हो जाएंगी आपकी। लास्ट में एल शेप में सोसाइटी का पार्क है, 3, 10, 15, 20 गाड़ी आराम से खड़ी हो जाएंगी। पार्क हमने ऐसे एल शेप में बनाया हुआ है, जो ये टावर अपनी सोसाइटी से बाहर है। और जो बाहर अगर नाइट में आपकी 25, 30, 35 गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, तो 10 बाय 15 की 36 दुकानों के आगे पार्किंग है, जो रात को कोई भी नहीं होता। डे में भी ये मार्केट अभी ओपन हुई है, थोड़ा बहुत ही यहाँ पे पार्किंग हमारे को मिल ही जाती है 3-4 गाड़ियों के लिए। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, रेन वाटर, स्टोन वाटर, सीवरेज सारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ अटैच है। और जो अपना फ्रेश वाटर है वो भी कॉरपोरेशन के साथ अटैच है। सोसाइटी का अपना बोर भी हुआ हुआ है। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या, अंडरग्राउंड वायरिंग रहेगी। कोई भी वायर, कोई भी यहाँ पे खंबा लगा नहीं हुआ। इलेक्ट्रीशियन कोई भी वायर ग्रिल को, फ्रंट एलिवेशन की ग्रिल को टच करके नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड पे जो एंट्रेंस है वहाँ पे हमारे अंडरग्राउंड वायरिंग है, मीटर लगे हुए हैं। और जो सबसे मेन चीज़ है, जो न्यू सनी क्लेव की मेन एंट्रेंस है, वहाँ से 3 मिनट का व्हीकल डिस्टेंस रहेगा। और अगर हम यहाँ से राइट हो जाते हैं तो पुरानी सनी क्लेव सेक्टर 125 में एंटर कर जाते हैं। ये भी सेक्टर 125 न्यू में है। अगर यहाँ से हम लेफ़्ट कर जाते हैं तो यहाँ से सामने 300 मीटर पे हमारा एयरपोर्ट रोड आ जाता है, जो ग्रेटर मोहाली प्रॉपर, जो हमारी चंडीगढ़, मोहाली, खरड़, लुधियाना, कुराली, अंबाला, दिल्ली जाने के लिए जो हमारी मेन एंट्रेंस रहेगी। और हमारा जो सैंपल है वो बिल्कुल रेडी टू मूव है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एज एट इज ही बना हुआ है। और जो सबसे मेन चीज़ है, जो हमारे बिल्डर हैं वो आपको 100% दिखा के 95% दे रहे हैं। बस इसमें कर्टन्स एंड फर्नीचर वगैरह नहीं है, बाकी वॉल्स पे वर्क जो मैं आपको दिखाऊंगा, स्टेयर का रही है, टॉप फ्लोर की मॉन्टी, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, हर चीज़ हमारे पास रेडी टू मूव में अवेलेबल है। और यहाँ पे जो हमारा इसका प्राइस रहेगा 89,90,000 रहेगा। एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबलिटी है। जो हम ये हमारा सैंपल है, इसको बनाएंगे हम, ये सैंपल दिखा के हम जो विलाज आपको दे रहे हैं बना के, तो वो आपको 89,90,000 में मिल जाएगा। अभी हमारी यहाँ पे सैंपल की इन्वेंट्री भी ओपन हो गई है, क्योंकि हमारे पास जो इन्वेंट्री है ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग में विलाज हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे 94,90 में आपको ये सैंपल भी मिल जाएगा। अभी अंदर चलते हैं इसके, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, स्टेयर का एरिया, हर चीज़, बालकनी आगे पीछे की, सब कुछ दिखाऊँगा। सबसे पहले एंटर करते ही यहाँ पर आपकी 5 सीटर कार आ जाएगी। यहाँ पे 7 सीटर आएगी नहीं जी, आपकी 5 सीटर आ जाएगी। जो अपना इसका फ्रंट है वो 22.5 है, तो आराम से 2 गाड़ी बाहर खड़ी हो जाती हैं। और यहाँ पे जो ये एरिया, इसको बोल सकते हैं हम, यहाँ पे ग्रीनरी, ग्रीन जोन भी बना सकते हो आप, जैसे आप गार्डन वगैरह भी बना सकते हो रेडीमेड घास लगा के, और यहाँ पे अपना झूला वगैरह लगा सकते हो। और यहाँ पे 2 व्हीलर के लिए आराम से 3 2 व्हीलर यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। ये हमारी ड्राइंग रूम की वेंटिलेशन है, जो ये विंडो खुली हुई है। सामने हमारी मॉलर किचन है, उसकी वेंटिलेशन, प्लस हमने जो इतनी अच्छी चौड़ाई, सब पे जितनी विंडो चुगट्ठे दरवाजे हैं, सब पे डोर बीम डले हुए हैं। और यहाँ पे ग्राउंड का पैनल आ जाएगा, फिर आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर का पैनल। सबसे पहले चलते हैं ग्राउंड फ्लोर की मेन एंट्रेंस में। यहाँ पे जितने भी हमारे डोर्स हैं ये सारे सुडान टीक के बने हुए हैं, फ्लश डोर। इसके ऊपर पॉलिश वर्क है, एज एट इज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे गोदरेज का फिंगरप्रिंट लॉक मिल जाएगा आपको। फिर आपको यहाँ पे LT के स्विचेस मिल जाएंगे, हैवर की वायर मिल जाएगी।
फिर आ जाता है यहाँ पे स्पेशियस हमारा जो ड्राइंग रूम है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। एज एट इज ही फर्स्ट फ्लोर रहेगा, जैसे मैंने बताया अगर तो आप लोगे सैंपल 9490 का तो हम हटाएंगे नहीं यहाँ पे कुछ भी, जैसे कर्टन्स फर्नीचर वगैरह। अगर आप लोगे बाकी विलाज जो हमारे अवेलेबल हैं ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग में, उसमें आपको वॉल पे वर्क मिल जाएगा एज एट इज, सब कुछ एज एट इज मिलेगा, बस कर्टन्स फर्नीचर मीन्स बेड सोफे वगैरह ये डाइनिंग टेबल वगैरह एसेसरी वगैरह भी नहीं मिलेगी, बाकी मिल जाएगा। बाकी जी लैंड की परचेजिंग के हिसाब से रेट है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में प्राइस को टाइम लगेगा। अगर अभी भी एक्सेप्ट नहीं किए फिर आने वाले टाइम में अगर ग्रेटर मोहाली में कोई चीज़ लेनी है तो 1 CR से ऊपर है, अगर खरड़ में कोई चीज़ लेनी है फिर 60 लाख से ऊपर है। जैसे अभी भी खरड़ में हमारे पास 49,90,000 के विलाज हैं, 52,90,000 के विलाज हैं, 56,90,000 के विलाज हैं, और वहाँ पे हमारे पास प्लॉट्स हैं 32,900 रुपये पर गज, 34,900 रुपये पर गज। अगर आज भी आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो फिर दिक्कत आ जाएगी आने वाले टाइम में। 60 लाख से प्लॉट्स क्या, विलास क्या, फ्लैट्स क्या, जैसे अभी भी आपको पता ही है कुराली रोड लुधियाना रोड पे 2BHK फ्लैट का रेट जो हुआ पड़ा है 40-90 है वो, तो हमारे पास वहाँ पे अभी भी 50 से नीचे विलास अवेलेबल है। और यहाँ पे एक्चुअली 11 करोड़ रुपए एकड़, खरड़ है 6 करोड़ रुपए एकड़, अगर यही प्रॉपर्टी वहाँ पे बनाए तो आपको यही प्रॉपर्टी मिलेगी 6990 की। बस लैंड की परचेजिंग के हिसाब से रेट है, मेन चीज़ ये है। यहाँ पे स्पेशियस हमारा डाइनिंग टेबल आ जाता है, 4 सीटर है, 8 सीटर 7 सीटर कर सकते हो आप, 2x2.5x5.5 की फ्लोर टाइल आ जाती है, कजारिया की एज इट इज़ मिल जाएगी। यहाँ पे जो आप सोफ़ा देख रहे हो एल शेप में लगा हुआ है 5 सीटर, यहाँ पे 3 crore में अगर लगा लोगे तो 7 सीटर है। जैसे मैंने बताया था जितने विंडो चुगाठे दरवाजे हैं सबके ऊपर पॉलिश वर्क है, ये वॉल्स के ऊपर डिज़ाइन आपको नीचे वाले ड्राइंग रूम में एज इट इज़ मिल जाएंगे। ये हमारा लकड़ी का काम है, डिज़ाइनर है, और उसके ऊपर हमने रॉयल का एशियन पेंट किया हुआ है। स्प्लिट एसी की प्रोविज़न है दोनों ड्राइंग रूम्स में, आपको एज इट इज़ मिल जाएंगी। सीलिंग आपको एज इट इज़ मिल जाएगी विद प्रोफाइल लाइट, और जो लाइट्स की क्वांटिटी है जितनी लाइट्स लगी हुई हैं बीच में गोल वाली सीलिंग वाली लाइट एज इट इज़ मिल जाएंगी। अब मॉलर किचन में सीलिंग एज इट इज़ मिल जाएगी, ये हमारा मॉलर किचन एज इट इज़ ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पर आपको सेम टू सेम देंगे। ये ग्लॉसी सरमाइका वाइट लगा हुआ है, यहाँ पे सैंपल लोगे जैसे मैंने बताया कुछ भी नहीं, फिर हमने तो किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, ना कर्टन्स को ना चिमनी को, हर चीज़ बीच में देंगे जो जो लगी हुई है इसमें। बाकी विलास में आपको चिमनी एंड चूल्हा नहीं मिलेगा, बाकी आपको कबर्ड्स ग्राउंड में ग्लॉसी सरमाइका एज एट इज ही आपको मिल जाएगा सारा सेम टू सेम। फ्रिज के लिए यहाँ पे स्पेशियस जगह एज एट इज ही आपको मिल जाएगी। बेडरूम अटैच वॉशरूम, सबसे पहले बेडरूम स्पेशियस है, सीलिंग एज एट इज़ मिल जाएगी विद प्रोफाइल लाइट जो ये है ना सामने एज एट इज ही। बैक पैनलिंग आपको एज एट इज़ मिल जाएगी बेड की, यहाँ पे स्पेस अच्छी है देख सकते हो आप, बहुत स्पेस बचती है यहाँ पे, दिक्कत कोई नहीं आएगी। बैक पैनलिंग मीन्स ये बेड की बैक साइड हम हर विला में दे रहे हैं, बस सैंपल लोगे तो यहाँ से लेके वहाँ तक बेड भी है। बैक मोल्डिंग आपको एज इट इज़ मिल जाएगी, बैक पैनलिंग एज इट इज़ मिल जाएगी। ये ग्रूव वाली टीक प्लाई है, इसके ऊपर हमने डीको किया ग्रे, बीच में प्रोफाइल लाइट एज इट इज़ है, ये डम्मी है एसी नहीं है। ये स्प्लिट एसी की प्रोविजनें दिखाई हुई हैं आपको कि चारों बेडरूम्स में सेम जगह पे बेड की बैक साइड पे मिल जाएंगी। 2x4 की वॉल टाइल है, इसमें एंटर करने से पहले आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये चीज़ मैं बोलने जा रहा था, सुडान टीक की चुगाठे हैं, सुडान टीक की विंडोज़ हैं, और सब पे पॉलिश वर्क है टोटली, यहाँ पे पेंट वर्क ना कपबोर्ड्स के बीच में, ना यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा डीको पॉलिश। 4 बेडरूम के साथ जो 4 अटैच वॉशरूम है सेम साइज के रहेंगे, 2x4 की वॉल टाइल रहेगी एज एट इज आपको मिल जाएगी हर चीज़, वॉल हैंगिंग सीट, वॉल हैंगिंग शंक और बाथ फिटिंग रोका की मिल जाएगी। ये जो प्रोविजन है वेंटिलेशन की चारों बेडरूम्स में एज एट इज आपको मिल जाएगी। यहाँ पे वॉल हैंगिंग सीट है, वॉल हैंगिंग शिंक है, टैप मिल जाएगी एज इट इज ही आपको सेम टू सेम ही, जैसे मैंने बताया था LT के स्विचेज हैं एज इट इज मिल जाएंगे। कबर्ड्स चारों बेडरूम में सेम डिज़ाइन के मिलेंगे, यहाँ पे ग्रे सरमाइका है माइट में, उधर थोड़ा सा क्रीमी सरमाइका आ जाता है। सीलिंग एज इट इज मिल जाएगी आपको, वॉल्स पे एज इट इज मिल जाएगा जो वर्क है। सामने वाली वॉल है यहाँ पे डीको किया हुआ है LCD पैनल पे भी और ड्रेसिंग में भी,
और सामने जो आप देख रहे हो ऊपर की तरफ वर्क है, जहाँ पे ये हमारी ट्यूबलाइट लगी हुई है, यहाँ पे ग्रूव वाली टीक प्लाई के ऊपर हमने डिको किया हुआ है। एज एट इज ही आपको मिल जाएगा, ये ड्रेसिंग एज एट इज मिल जाएगा, एलसीडी पैनल एज एट इज मिल जाएगा आपको, सेम टू सेम सब कुछ मिल जाएगा जी। अब चलते हैं सेकंड बेडरूम में, अटैच वॉशरूम के साथ है, स्पेस अच्छी है, सेम टू सेम चारों बेडरूम्स में सेम स्पेस रहेगी, बैक पैनलिंग एज एट इज मिल जाएगी, 2x4 की वॉल टाइल मिल जाएगी, ऊपर सीलिंग एज एट इज मिल जाएगी, सेम टू सेम हर चीज है यहाँ पे। बस यहाँ पे कॉम्बिनेशन जैसे यहाँ पे डार्क लाइट, ये क्रीमी है ये ब्राउन है, उधर वाइट एंड ग्रे है, मटेरियल सेम है। चारों बेडरूम्स में सेम डिज़ाइन के कबर्ड्स, एलसीडी पैनल का डिज़ाइन रहेगा अलग अलग, और बैक पैनलिंग आपको एज एट इज मिल जाएगी, बेड की बैक पैनलिंग, डिको एंड पॉलिश का वर्क है, सीलिंग एज एट इज मिल जाएगी आपको, बैक साइड पे आपको वॉशिंग एरिया एज एट इज मिल जाएगा, यहाँ पे टाइल लगा के देंगे, बैक साइड पेंट करके देंगे सारा। दोनों बेडरूम्स की वेंटिलेशन, दोनों दो बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है, इनकी वेंटिलेशन बैक साइड निकाली हुई है, फर्स्ट फ्लोर के जो बेडरूम है उनकी भी वेंटिलेशन बैक साइड निकाली हुई है। बैक साइड पे अभी ना वर्क चल रहा था तो इतनी फिनिशिंग अच्छी नहीं है बैक साइड की, फ्रंट एलिवेशन की फिनिशिंग अगर कुछ भी हो तो कमेंट्स में मेरे को बताना है, एक नंबर काम किया हुआ है। बैक साइड की जो फिनिशिंग है वो एक्चुअली वहाँ पे टाइल लगनी है 2x4 की प्रॉपरली और पेंट होएगा, वो मैं साथ वाली कोठी ना एक बार इसका शूट कंप्लीट करके आपको अच्छे से दिखा दूं हर चीज़, कि आप हमारे पास आने के लिए रेडी हो जाओ, और फिर मैं आपको ग्राउंड फ्लोर की जो उधर की बालकनी है वो जो हमने कंप्लीट करके रखी हुई है एज एट इज दिखा देता हूँ। कार पार्किंग, स्टेयर का एरिया स्पेशियस है, ये हमारा स्पेशियस ड्राइंग रूम है, यहाँ पे वॉल्स प्लेन रहेगी, बस एक ही चेंज है 4x4 की फ्लोर टाइल है, सीलिंग एज एट इज मिल जाएगी, कबर्ड्स एज एट इज मिल जाएंगे जैसे मैंने बताया था ग्राउंड फ्लोर में, ऊपर सामान नहीं रखा हुआ और एक दो पर्दे लगाए हुए हैं, आपको वेंटिलेशन क्लियर हो जाएगी, पैनलिंग एज एट इज मिल जाएगी आपको, बेडरूम है, अटैच वॉशरूम, 2x4 की वॉल टाइल, कजारिया की वॉल हैंगिंग सीटें, कबर्ड्स, स्प्लिट एसी की प्रोविजन है, डम्मी भी नहीं लगाई हुई प्रॉपरली, वेंटिलेशन आपको क्लियर हो जाएगी यहाँ पे, एलसीडी पैनल अलग अलग डिज़ाइन की हैं, स्प्लिट एसी की प्रोविजन दी हुई है, एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबिलिटी है, और मेरी तरफ से गुड विशेज है, ज़्यादा से सर्च करो बेस्ट प्रॉपर्टी मिले, सारी ज़िंदगी की कमाई लगानी है सर मैम जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, और रेंट मूव पे इन्वेस्टमेंट करो, अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ ना लो, अगर लेना है तो प्लॉट ले लो, अंडर कंस्ट्रक्शन मिला मत लो, बाद में दिक्कत आएगी, हाथ जोड़ते फिरोगे बिल्डरों के सामने, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का, ठीक है जी। रेंट मूव में लो, रोड टू साइट व्हीकल डिस्टेंस कम हो, कौन सी लोकेशन चूज़ कर रहे हो, पेपर वर्क, 10 चीज़ें देख ली हैं, 5 देख ली हैं, 2 देख ली हैं, तो उनमें से बेटर खुद ही चूज़ कर पाओगे, किसी रिलेटिव की किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही सर्च करो, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी आपने तकरीबन तकरीबन अमाउंट का डबल देना होता है, तो मैं बस आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कभी भी आपका फ़ोन ना उठाऊँ तो मेरी कॉल बैक आपको आ जाएगी, थोड़ा सा कॉलिंग है ज़्यादा, तो रिक्वेस्ट करता हूँ आने से पहले कॉल करके आनी है, ऐसे नहीं है बस स्टैंड पे सनी की मेन एंट्रेंस पे आके आप मेरे को कॉल कर दो, वो चीज़ ठीक नहीं लगेगी, मैं नहीं चाहता आप एक भी मिनट मेरी वेट करो। फोर्थ बेडरूम का एलसीडी पैनल, कबर्ड्स, स्प्लिट एसी की प्रोविजन है, सीलिंग जैसे मैंने बताया था पॉलिश वर्क है टोटली, कहीं पे भी पेंट वर्क नहीं है, ना बाहर की तरफ ना अंदर की तरफ कोई भी चीज़ का। बैक साइड की वॉशिंग एरिया प्रोविजन, फ्रंट की ग्रिल दिखा देता हूँ मैं, वेंटिलेशन है जैसे ग्राउंड की दिखाई थी मैंने,
और गुड विशेज हैं, मोस्ट वेलकम है, जब मर्जी आओ। थोड़े से वीडियो रह गई है बाकी। मैं एक बार ग्राउंड की ना बालकनी, मेरे को ठीक नहीं लगता जब मैं उस तरफ जाता हूँ, तो मैं आपको टाइलिंग का काम दिखा देता हूँ सारा। ये फ्रंट एलिवेशन है, फर्स्ट फ्लोर की बालकनी, स्पेशियस बहुत है यहाँ पे, ठीक है जी। एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबिलिटी रहेगी। जो ये मोंटी है जहाँ पे, हाँ एक चीज़ मैं क्लियर करनी भूल गया आपको, बढ़िया, ये दो टंकी हैं टॉप फ्लोर पे, 2000 लीटर की। ग्राउंड फ्लोर पे जो ये सामने हमारा बेड़ा है ना, यहाँ पे बिल्कुल सामने वहाँ पे बेड़ा है, जहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 10,000 लीटर का अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। स्पेशियस हमारा ये लाइव वीडियो है, ये इतनी इसलिए लंबी बनती है कि आप आने से पहले अपनी तसल्ली करके आओगे। यहाँ पे ये नहीं है कि मैं सामने आके हाथ हिलाने लग गया, अपने आप को दिखा के थोड़ी सी जो प्रॉपर्टी की पिक्स थोड़ी सी वीडियो दिखाऊं, वो चीज़ ठीक नहीं लगती। व्यूज़ तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के आते हैं, पर मैं चाहता नहीं ये सिस्टम, मैं अपनी तसल्ली करनी चाहता हूँ। जैसे मेरी तसल्ली होती है मैं तो वही चीज़ करूँगा, और मैं, मेरे को ये आपकी तरफ से यही एक रिक्वेस्ट है कि अच्छे से मेरे को आप लोग सब्सक्राइब करो और मेरे शेयर करो। और मैं चाहता हूँ जो मैं मेरी वीडियोस हैं, मेरे को पता है एक राजपूत जॉन बेस्ट प्रॉपर्टी एक ऐसा चैनल है जो मैं ना तो अपने आप को दिखाता हूँ, ना मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ, शॉर्ट्स भी बहुत ज़्यादा कम है, और वीडियोस भी क्लिप में बहुत ज़्यादा कम है हमारी। उसका रीज़न क्या है कि बस उसका रीज़न यही है कि अगर मैं छोटी छोटी क्लिप बनाऊंगा तो 4-5 मिनट की वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा बेडरूम दिखा दूंगा, किचन दिखा दूंगा, अभी आप जैसे स्टेयर का एरिया भी स्पेशियस अपनी आंखों से अच्छे से देख रहे हो, ऐसा लग रहा है आपको ऐसा लगेगा वीडियोस में कि आप विजिट करने चले गए हो, बस रोड टू साइड व्हीकल डिस्टेंस नहीं पता चलेगा। ये बालकनी है, ऊपर हमने कॉलम निकाले हुए हैं, 2 कॉलम 1x9 के बीच में है, 3 इधर हैं 3 इधर हैं। साथ में विला है तो सारे विला में अभी पोजेशनें चल रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे सारे विलाज में वैसे पोजेशनें चल रही हैं, पर मैं आपको दिखाता हूँ ग्राउंड फ्लोर, जो मैंने बैक बालकनी की बात की है, वो कैसा रहेगा सिस्टम। ये बैक साइड की बालकनी है, ये बस मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी कि जो बैक की बालकनी उधर दिखाई है मैंने, वो थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो पाए होंगे, आप थोड़ा सा पीछे जो काम चल रहा है, तो एज इट इज़ ही वॉल्स पे टाइल लग जाएंगी और ये पेंट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और प्राइवेसी यहाँ पे प्रॉपरली है, क्योंकि बैक साइड पे अपने विलास बने हुए हैं, वेस्ट फेसिंग में, ईस्ट फेसिंग की बैक साइड पे फ्लैट्स बने हुए हैं। ये टाइलिंग है हमारी, ये उस विला में एंटर किया है मैंने जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, और आपको एज इट इज़ जैसे आपने सैंपल देखा है, जैसे मैंने बैक पैनलिंग बताई है, हर चीज़ आप ऐसे ही विजिट कर पाओगे। यहाँ पे LCD पैनल है, एज इट इज ही आप, मतलब हर बंदा बढ़िया काम कर रहा है, पर यहाँ पे 100% दिखा के आपको 90% तो देती ही है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई वॉल्स का काम का ना कोई सीलिंग का। जैसे मैंने सैंपल दिखाया वो तसल्ली आपकी इस विला में होगी, क्योंकि ये विले की रजिस्ट्री भी हो चुकी है, और यहाँ पे बस अभी पूजा वगैरह होएगी और कस्टमर आ जाएंगे रहने के लिए। ये देखो हर चीज़ आप जो मैंने सैंपल में दिखाया, बैक पैनलिंग वगैरह जो मैं आपको बताता गया, वो आप चीज़ आप सामने आपके पड़ी हुई है, एज इट इज ही फर्स्ट फ्लोर हमने रेडी किया हुआ है। एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबिलिटी रहेगी, जब मर्जी आओ विजिट करने के लिए जी।